नहीं बनेगा। यानी उन्होंने एक बहुत क्लियर कह दिया, अपने सरकार के ही एक प्रकार से खिलाफ बोला है, मुखालफत की है कि राम मंदिर सरकार के भरोसे नहीं बनेगा, बल्कि हिंदुओं के पुरुषार्थ के भरोसे ही राम मंदिर का निर्माण होगा। ध्यान ये दीजिएगा, ये बयान एक केंद्रीय मंत्री का है। 100 करोड़ हिंदुओं के पुरुषार्थ से ही राम मंदिर का निर्माण मुमकिन है। वहीं गिरिराज सिंह ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हो चुके हैं, चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। हम ये कह रहे हैं कि सरकार के भरोसे नहीं, ये 100 करोड़ हिंदू के पुरुषार्थ के भरोसे मंदिर बने। नरेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, लेकिन वो कह रहे हैं सरकार के भरोसे नहीं है वो बल्कि 100 करोड़ हिंदुओं के पुरुषार्थ के भरोसे हैं। ये तो सिस्टम के खिलाफ बोलना हो गया राहुल। इसको इस नजरिए से भी देखा जाना चाहिए कि 4.5 साल तक जो बीजेपी की केंद्र में और राज्य में 1.5 साल पहले जो सरकार बनी, वो अपने संकल्प पत्र में राम मंदिर निर्माण का संकल्प लेकर आई थी। लेकिन आज जब कल 9 दिसंबर को दिल्ली में एक बड़ी रैली बीएचपी करने जा रही है, उससे ठीक पहले गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं कि जो सरकार है वो राम मंदिर बनाने नहीं जा रही है। चलिए, नरेंद्र बता रहे थे, अहम जानकारियां दे रहे थे, वो ये बता रहे थे कि साफ साफ कि गिरिराज सिंह ने क्या कहा है। गिरिराज सिंह का साफ ये कहना है कि वो सरकार के भरोसे नहीं बैठे हैं, बल्कि वो 100 करोड़ के जो 100 करोड़ हिंदू हैं उनके पुरुषार्थ के भरोसे बैठे हैं। अगर 100 करोड़ हिंदू चाहेंगे तो राम मंदिर बन जाएगा। फिर समझ में ये नहीं आता कि फिर इस देश में संविधान क्यों है, इस देश में सुप्रीम कोर्ट क्यों है, इस देश में सरकारें क्यों हैं, ये सभी संस्थाएं हैं, इस देश में चुनाव आयोग क्यों है, ये सारी संस्थाएं हैं। अगर आप इन्हें पार करते हैं, पार करने की कोशिश करते हैं, तो ये एक केंद्रीय मंत्री के बयान को किस नजरिए से देखना चाहिए, और ये तो आप ही जाने, लेकिन हाँ पार्टी को जरूर जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि वो सरकार के भरोसे नहीं बैठे हैं, सरकार नहीं बनाने जा रही है, बल्कि वो 100 करोड़ हिंदुओं के पुरुषार्थ के भरोसे बैठे हुए हैं। ये बयान एक केंद्रीय मंत्री का है। इस बयान को देते ही ऐसा लगा कि सिर्फ वो यही कहने आए हों, वहां से तुरंत उठ के चल देते हैं इतना कहते हुए कि वो सरकार के भरोसे नहीं बैठे हैं, 100 करोड़ हिंदुओं के पुरुषार्थ के भरोसे बैठे हैं, इतना कहते तुरंत उठते हैं। देखिए, सुन देखिए, आप इस बात को पूरा करते ही तुरंत उठेंगे यहां से, सुनाते हैं उनके बयान को। चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, हम ये कह रहे हैं कि सरकार के भरोसे नहीं, ये 100 करोड़ हिंदू के पुरुषार्थ के भरोसे मंदिर बने। गिरिराज का यह बड़ा बयान है, उन्होंने मेरठ पर बयान दिया है। जब भारत समाचार के संवाददाता ने प्रश्न किया कि संकल्प पत्र में भी राम मंदिर का जिक्र है, और हरीशचंद्र श्रीवास्तव ये प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हरीश जी आपका बहुत स्वागत, लेकिन गिरिराज जी का ये बयान आप किस नजरिए से देखते हैं? उन्होंने कहा कि वो सरकार के भरोसे बिल्कुल नहीं बैठे हुए हैं, वो 100 करोड़ हिंदुओं के पुरुषार्थ के भरोसे हैं। हरीश जी, संस्थाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट है, सरकार है, इस तरह का बयान संविधान है? नहीं, मुझे जहां तक लगता है कि आदरणीय गिरिराज जी का बयान का तात्पर्य नेतार्थ ये होगा कि जो कि राम मंदिर, राम जन्मभूमि जो न्यास है उसको बनाना है, इसलिए उन्होंने ये बात कही होगी। बाकी ये बात तो हरीश जी, आप भारतीय जनता पार्टी तो जिसे भी मंत्री बनाती है, प्रवक्ता बनाती है, वो बड़े पढ़े लिखे होते हैं, वो जानते हैं वो क्या बोल रहे हैं। उनके ये शब्द हैं, कहिए तो मैं आपको एक बार फिर सुना दूं। वो साफ कह रहे हैं कि वो सरकार के भरोसे नहीं, 100 करोड़ हिंदुओं के पुरुषार्थ के भरोसे हैं। वो ठीक है, लेकिन वो तो इसे मैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सभी लोग स्पष्ट कर चुके हैं कि वित्त सम्मत ढंग से वहाँ राम मंदिर का निर्माण होगा, और राम जन्मभूमि जो न्यास है वो उस मंदिर को निर्माण करेगी। हरी जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, ये बातें समझ में भी आती हैं और मैंने भी कई बार सुनी है कि मुख्यमंत्री ने कहा है और लोगों ने भी कहा है, लेकिन फिर ऐसे में उत्तर प्रदेश में इस तरह के जब बयान आते हैं केंद्रीय मंत्री देते हैं, तो मैं आपका कमेंट चाहूंगा,
अब इसके संदर्भ में वो क्या नेतार्थ है उनका, वो तो उसके बारे में वही स्पष्ट कर सकते हैं। नहीं, नेतार्थ एक अलग चीज हो गई हरीश जी, हम भी समझ रहे हैं और आप भी, लेकिन उन्होंने कहा सरकार के भरोसे नहीं, साफ साफ नहीं है, मतलब बात तो तात्पर्य यह है भाई, मंदिर सरकार मंदिर नहीं बनाती है, सरकार तो जो उसके जो नैतिक पहलू हैं उसके आधार पर उसके। तो हरीश जी इतना 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 बोल देते, इतनी बात रख देते कि सरकार मंदिर नहीं बनाती, ये तो आप बोल रहे हैं, उन्होंने ये नहीं बोला, वो कह रहे हैं कि हम सरकार के भरोसे नहीं है। जितने जितनी शालीनता से आप बात रख रहे हैं, अगर ऐसे ही वो रख देते तो उत्तर प्रदेश की जनता समझ जाती कम से कम हरीश जी। उत्तर प्रदेश की जनता समझती है, उनका भी नेता यही रहा होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। हरीश चंद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे, उन्होंने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि उनका कोई और भाव था, उन्होंने उस भाव को बताया भी अपने तरीके से, लेकिन गिरिराज जी को जो कहना था उन्होंने वो कह दिया। लखीमपुर से बड़ी खबर है, भारत